अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदो? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इसी सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलते रहते हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को और सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनल लोगों को दिखाना है, लोगों के काम को दिखाना है। और इसी सिलसिले में आज मैं एक बहुत ही अजीम और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ। उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, मुझे तारफ़ कराते हुए अल्फाज का थोड़ा सा इंतहाब करना पड़ रहा है। अगर मैं सियासी तबार से कहूँ तो पंजाब के एक बहुत ही सियासी तनावर किस्म के घराने से उनका तल्लक है। पंजाब की सियासत की जब भी बात हो, जब भी पंजाब की सियासत की हिस्ट्री लिखी जाएगी, स्टिल वो एक सीट पर रहते हुए पंजाब की आवाम को सर्व कर रहे हैं। और अगर हम बाय प्रोफेशन उनकी बात करें तो अकेडमिया के हवाले से उनका एक्सपीरियंस, और एक यूनिवर्सिटी है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर भी है और अलॉट ऑफ डेजिग्नेशन उनके पास हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसके बाद बताऊँ, वो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके दौर में उन्होंने पंजाब के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी है। और इससे बढ़कर मैं एक ख़ास बात बताऊँ, ज़ाती तौर पर उनको बहुत अच्छा इंसान पाया है और उनकी पर्सनैलिटी से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उनकी ड्रेसिंग से और उनके खुसरे इंतहाब से। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस पैकेज में ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में। आज वो मेरे गेस्ट हैं, मेरे साथ है, मेरी खुशकिस्मती है मियां इमरान मसूद साहब। चलते हैं मियां इमरान साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच मियां साहब। मेरे लिए जैसे मैंने तारुक में बताया, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज एक्स आप यानी कि मिनिस्टर एजुकेशन के हवाले से आपने पंजाब में बहुत काम किया है। लेकिन उससे पहले आप गुजरात के हवाले से अगर बात करें, मैं जानना चाहूँगा गुजरात की गलियों में खेलने वाला वो लड़का, पलने वाला लड़का, चौधरी शुजात साहब की फैमिली के साथ बहुत आप करीबी हैं उनके, आपके ग्रैंड फादर वगैरह और आपके फादर सारी फैमिली के साथ, तो गुजरात की गलियों में खेलने वाला वो लड़का सियासत के दरवाज़ों से होता हुआ लाहौर में किस तरह पहुँचा और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक नहीं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी है और बहुत ज़्यादा खिदमात है, चाहे वो एजुकेशन के अतबार से हो, चाहे सियासी अतबार से हो, आपके घराने की हो, ये सारा थोड़ा सा आपके लोग चूँकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लोग जानना चाहते हैं अपने स्टार्स के मुताबिक, ऑब्वियसली आप भी स्टार हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा डिटेल बताइए वो गुजरात से थोड़ा सा बैक पे जाके, क्योंकि ये ख्वाबों से तबीर तक का सफर है, वो ये जर्नी के ऊपर है, थोड़ा सा बताइए। जी एक तो आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके प्रोग्राम में आए, और मैं भी आपसे बड़ा मुतासिर हूँ आपकी पर्सनैलिटी के साथ। देखिए गुजरात की आपने बात की, मैं बिल्कुल पक्का गुजरातिया हूँ और मेरी पहचान जो है वो मेरा इलाका गुजरात ही है, और हमें कोई इसमें कोई इशू नहीं है कि हम अपने आप को गुजरातिया कहें। हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारी जितनी भी खिदमत है वो गुजरात के हवाले से। गुजरात एक पसमानदा इलाका था, थोड़ी बहुत अभी डेवलपमेंट उसमें हो गई है, और लेकिन ज़बरदस्त खिता है पंजाब जो है, सॉरी जो गुजरात जो है, गुजरात में बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सियासत में और फौज में, उसके बाद बिजनेस में, फिर अदब में, एज पोइट्स, एज राइटर्स, एज एकेडमिया, गुजरात एक्सेल्स, बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपसे कभी बाद में शेयर करेंगे। तो चूँकि हमारा शुरू से ही हमारी
घर की जो रवायत है वो पब्लिक सर्विस है, अवामी खिदमत है, जिसमें मेरे दादा, मेरे नाना और मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरे मामू, ये सब लोग हम जो हैं वो सियासत में हैं। और मैं आई वॉज यंग, मुझे यहाँ पर चीफ्स कॉलेज में डाला गया, बोर्डिंग हाउस में। मैं एक से कॉलेज में मेरी इब्तदाई तालीम यहाँ से हुई। वैसे मैं लॉयर हूँ, बैकग्राउंड मेरा लॉ का बैकग्राउंड है। तो वहाँ पे स्कूल्स नहीं थे उस ज़माने में जब मैं छोटा था वहाँ, और इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बिल्कुल नहीं थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर था हमारे इलाके का। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, हमारी फैमिली जो थी वो बिजनेस फैमिली है और हमारा रूरल बैकग्राउंड भी ज़रूर है। तो हर वक्त हर सियासतदान ने गुजरात को ऊपर करने के लिए बड़ी मेहनत की, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड था मेरा तो साफ ज़ाहिर है सियासत में आगे जाना था। और मैंने 8 इलेक्शंस लड़े हैं गुजरात में, और मैं कई बार मेंबर सूबाई असम्बली बना हूँ, मैंने हैट्रिक भी की है। मैं मुसलसल 3 बारी मेंबर हूँ, वैसे मैं 4-5 बारी मेंबर बन चुका हूँ। वज़ीर तालीम पंजाब भी मैं रहा, वो बड़ा गोल्डन पीरियड था चौधरी परवेज़ के साथ काम करने का। तो वो जो आप कह रहे हैं वो ख्वाबों से जो है वो तामीर और तकमील जो है वो हमने किया है, हमने देखा है। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम पंजाब के हर बच्चे को मुफ्त तालीम दें, जो हमने किया। पढ़ा लिखा पंजाब जो था वो हमने ही शुरू किया था। पढ़ा लिखा पंजाब जब प्रोग्राम बना था उसको मैं ही लीड करता था, हेड करता था एज अ मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। और हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसको चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में चौधरी परवेज़ भाई साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, इस प्रोग्राम को वो आगे लेकर चले, फंडिंग की इसकी, और वर्ल्ड बैंक हमारा पार्टनर बना। तो तालीम की हालत बहुत ख़राब थी पंजाब में, शरह ख्वातीन 42% स्टिल अभी भी ख़राब है, लॉट ऑफ चैलेंज। और हमारा ड्रॉप आउट रेट जो था, यानी कि स्कूलों में बच्चे जाते थे और उसके बाद वापस घरों को चले जाते थे, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट आपके पंजाब का, पाकिस्तान का। यानी कि 40 लाख बच्चा, 90 लाख में से 40 लाख बच्चा घरों को वापस चला जाता था। इतनी बड़ी वेस्ट हो रही थी अपने टैलेंट की और ह्यूमन रिसोर्स की, स्टूडेंट्स की, जिसको चैलेंज फेस करना हमारा लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने किया, हमने मुफ्त तालीम कर दी तमाम बच्चों के लिए। 12.8 मिलियन बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, 63,000 स्कूल है पंजाब का आज भी एग्जिस्ट करता है, कॉलेजेस हैं कोई 700-800 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमने स्टाइपेंड दिया बच्चियों को मुफ्त, हमने किताबें कर दी। मुफ्त किताब देना बहुत मुश्किल है, उसके लिए सिलेबस में जी, सिलेबस में। तो ये हमारी एक ख्वाब था जिसकी ताबीर हुई, और 5 साल हमारा प्रोग्राम था जो हमने लॉन्च किया। आपको मैंने बता दिए जो हमारी जो पॉलिसीज थी। तो 5 साल बाद 42-62% पे शरह ख्वानगी पहुँच गया, जो कि एक खासों की बहुत बड़ी ताबीर या तकबीर जो थी वो आपको नजर आ गई। और हमने 4 दीवारी बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बच्चा टाट पे बैठता था तो कुर्सी पे बिठाया हमने, रिस्पेक्ट के साथ। गर्ल्स एजुकेशन बड़ी कमज़ोर थी, गर्ल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गई, तो बड़ा मौका मिला। तो गुजरात के हवाले से आप बात करते तो उन्हीं गलियों में से, उन्हीं में से होते होते, और घर से भी यही सबक मिला कि लोगों की खिदमत करनी है और अपने ख़ानदान का नाम चलाना है। और आपने चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात की, उनकी बिल्कुल ना, हमारा उनसे बड़ा ताल्लुक़ है, और ये सेकंड जनरेशन में हम आए हुए हैं। चौधरी शुजात के वालिद और मेरे बुजुर्ग आपस में ये थे, फ्रेंड्स थे। ये सेकंड जनरेशन में मैं और चौधरी शुजात MNA और मैं MP था। आजकल चौधरी परवेज़ साहब उस सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी परवेज साहब से भी बड़ा हमारा ताल्लुक, पूरे ख़ानदान से हमारा बड़ा ताल्लुक है। तो ये सिलसिला आगे चल रहा है, ये रुका नहीं है, अभी ये चलता है जी। बिल्कुल, मुझे पता है वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, चलता रहेगा। तो डिफरेंट कैपेसिटीज में मैंने काम किया। आई वॉज द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर, मैंने हेल्थ सेक्टर में काम किया, पॉपुलेशन वेलफेयर में बड़ा काम किया। मैं मेम्बर रहा पब्लिक हाउस कमेटी का, तो मुझे एक और साइड ऑफ द गवर्नमेंट नज़र आई कि क्या इश्यूज होते हैं डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में क्या इशू होते हैं। मैं अपोजिशन में रहा, अपोजिशन का भी ब्लेंड मुझे पता है, इक्तदार का भी ब्लेंड मुझे पता है,
मैं जेल में भी रहा 3 महीने और मेरे पे एक मेरे मुखालिफ जमात ने मुझ पे हाई ट्रीजन का केस कर दिया। उस जमाने में बड़े होते थे ये कह रहे हैं अपना इंतकामी कार्रवाई होती थी। और बगावत का मुझ पे केस लगा दिया गया, वो जेल की लंबी स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। फिर वजीर तालीम में बना, उससे बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, बाहर किया, बड़ा मुझे एक्सपोजर मिला, मैंने बहुत सीखा, मैंने पार्लियामेंट्री एजुकेशन मेरी बहुत ज़्यादा हुई। तो मैं एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनना चाहता था, बनना चाहता हूँ, और एक अच्छा स्टेट्समैन भी मैं बनना चाहता हूँ। और चूँकि अब चूँकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं कि मैं सियासत को छोड़ के कहीं और चला जाऊँ, सारी जिंदगी इसमें लगा दिया, तो मुझे वकालत का शौक़ था, शौक़ है, लेकिन मैं वकालत को प्रैक्टिस नहीं कर सका बिकॉज ऑफ हैवी कमिटमेंट इन माय पॉलिटिकल हमारे सेक्टर में। तो लाइफ इज़ गुड, मैं उस अपनी खिदमत के डिविडेंड्स इंजॉय कर रहा हूँ। मैं आजकल वाइस चांसलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, इट्स अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको ग्रो करवाऊँ, इसको मैं स्ट्रेंथन करूँ, बच्चों को हम मौके दें, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दें। मैं मेंबर हूँ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का, मुझे पॉलिसी मेकिंग में भी बैठने का मौका मिलता है, और अबव ऑल मैं जितनी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने एक एसोसिएशन बनाई हुई है, अभी नई नई बनाई है, उसका मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। तो चारों सूबों से हमारा लिंक रहता है, 210 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट शायद एक दो और भी हों इसके अलावा। तो उसमें से 82 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, जिसमें चारों सूबे आ जाते हैं, जिसमें AJK भी आ जाता है और कैपिटल इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियाँ भी आ जाती हैं। तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए, उन इश्यूज़ को हायर एजुकेशन कमीशन के सामने रखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने रखते हुए, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ डिलीवर करने को भी मिलता है। और हम हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की, हम उनको इश्यूज़ बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो अब रिसेंटली मैं एक काउंसिल है, पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल, उसका मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। वो पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं स्कूलों का भी सदर हूँ उस एसोसिएशन का, और यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बहुत काम करता हूँ मैं तालीम के हवाले से। इंशाल्लाह लाजमी, जैसे आप जानते हैं कि मियाँ इमरान मंसूर साहब हमारे साथ है, हम लेंगे स्मार्ट से ब्रेक, मिलते हैं आपके शॉर्ट ब्रेक। जी, सब जीत गए तो मेरी इस सीट की कुर्बानी देने से वो अलायंस चल पड़ा, और हमने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने एक मैसेज ये दिया कि हम कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि आपस में ट्रस्ट भी नहीं था, कभी कोई वर्किंग भी नहीं थी दोनों जमातों के दरमियान। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में आज हमारे साथ मियाँ इमरान मंसूर साहब, जो कि एक्स एजुकेशन के मिनिस्टर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं हम ये ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़बानी। जी मियाँ साहब, अच्छा मियाँ साहब, थोड़ा सा मैं फिर वापस आऊँगा सियासत के ऊपर। पहले आपने इतना अच्छा टिनोर गुजारा और मिनिस्टर भी रहे, बहुत सारे खिदमात है आपके दौर में, वो सुनहरी दौर कहा जाता था पंजाब में, जो परवेज़ इलाही साहब का था, पढ़ा लिखा पंजाब, जिस तरह आपने खुद बताया। तो मियाँ साहब, अभी तो आप पार्टनर भी हैं जी, ठीक है, यानी कि करीब है PTI के, तो क्या अभी आप उसको फोकस कर रहे हैं, वही तलीमी पॉलिसी के लिए कुछ कर रहे हैं आप एज ए, यानी कि अब आप मिनिस्टर तो नहीं है, अब MPA भी नहीं है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस दफ़ा जबकि आपको पता था कि आने वाली गवर्नमेंट में आप लोगों के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, तो आपने एज ए MPA क्यों नहीं इलेक्शन यानी कि अपने एरिया से किया? और उसके बाद एजुकेशन के हवाले से अभी स्टिल कुछ आपकी गवर्नमेंट तजावीज़ दे रही है, वफाकी गवर्नमेंट को कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, प्लीज़? बिल्कुल, हमारा इतिहाद है PTA के साथ, PML का हमारा इतिहाद है। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो रही थी, और दो मुख्तलिफ जमातें थी, मुख्तलिफ कल्चर था, आपस में इकट्ठे हो रहे थे, गैर फितरी जी, बस होती है वो अलायंसेस में कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उसमें अपना PTA जो थी वो मेरी सीट मांगती थी शहर वाली, ठीक है, क्योंकि PTI के जहन में हमेशा ही होता है कि उनका अर्बन वोट है, शहरी वोट है, और वो एक चूँकि हम लोग शुरू से ही वहाँ पे बैठे हुए हैं,
बेसिकली ये मुस्लिम लीग ही ज़िला है हमारा गुजरात जो है, मुस्लिम लीग ही जहन के लोग हैं, ये पूरी बेल्ट मुस्लिम लीग की है, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी भावदी, हाफजाबाद वगैरह वगैरह गुजरात। तो पी टी आई वॉन्टेड सीट फ्राम द सिटी गुजरात। तो मेरी जमात ने मजबूरी शो की अपनी, उन्होंने कहा कि भाई हमको सीट आपकी मांग रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं दे रहे हैं, तो अगर तो हमारा आपस में तकरार होगा तो अलायंस आगे चलेगा नहीं। तो मैंने फिर बड़ी फराख दिली से और बड़ी खुशी से मैंने कहा कि आप इस टेंशन में मत आइए, मेरी आप सीट दे दें उनको पी टी आई को, ऊपर एम एन ए आ जाएंगे चौधरी परवेज गई, नीचे आ जाएंगे अपना एम पी ए पी टी आई के साथ, ठीक है, वो भी पुराना वहाँ पे खानदान है, हमारे दोस्त ही हैं जो वहाँ से लड़े इलेक्शन। तो हमने ये सेक्रीफाइस दी, हमने कहा जी कि कुर्बानी दी, हाँ आपने इतने इलेक्शन लड़े हम और लड़ लेंगे। तो चौधरी परवेज गई साहेब और चौधरी शुजात साहब ने कहा कि इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर कहीं और भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, नो इशूज, काम करना है आप किसी भी कैपेसिटी पर कर लेते हैं। वो अल्लाह का करना ही हुआ कि हम वहाँ से सीटें सब जीत गए। तो मेरी इस सीट की कुर्बानी देने से वो अलायंस चल पड़ा और हमने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने एक मैसेज ये दिया कि हम कुर्बानी देने के तैयार हैं, क्योंकि आपस में ट्रस्ट भी नहीं था, कभी कोई वर्किंग भी नहीं थी दोनों जमातों के दरमियान। सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू लीव माई सीट एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने स्ट्रेंथन किया उस सीट टू सीट एडजस्टमेंट को, और मेरी इस कुर्बानी को मेरी जमात ने रिकगनाइज किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। फिर इलेक्शन भी मैंने खुद लड़ा पी टी आई के कैंडिडेट। अच्छा, पूरी कंपेन लड़ी, बड़ी गर्मी थी जी मुझे याद है। तो मैंने चौधरी परवेज लाई की और जो पी टी आई कैंडिडेट थी उनकी कैंपेन मैंने लड़ी और कोई इशू नहीं है मुझे। अब जब हुकूमत आ गई, बन गई, हम इकतदार में आ गए, हमें उन्होंने स्पीकर का स्लॉट दे दिया, 2000 के ऊपर दी हमें, वादा था 2 नीचे का था। और तो अब ये है कि चूँकि पी टी आई की पहली गवर्नमेंट बनी यहाँ पे पाकिस्तान में और पंजाब में, पहले वो के पी के में थे, नए नए यंग मिनिस्टर्स भी उनके साथ आए हुए थे, तो मैं तो अपनी सर्विसेज मैंने तो ऑफ़र की हैं उनको कि भाई अगर आपने मुझसे काम लेना है, मेरा जितना बहुत तजुर्बा है मैं हाजिर हूँ और मैं आपको दे सकता हूँ। तो दरमियान में हमारा थोड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया पी टी आई और आता रहते हैं, तो अभी भी बस जरा सदगर्म चल रहा है। लेकिन हमने कि हम इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, हम सुबह पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा जो दौर था 2002-08 का वो एग्जैक्टली दौर था। वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने कंपेयर किया था चौधरी परवेज लाई की गवर्नमेंट को पुरानी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर किया था, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी थे, भुट्टो साहब भी थे, पंजाब की बात कर रहा हूँ। एंड देन दे केम आउट विद अ रिपोर्ट सर्वे का कि जो बेस्ट जो गवर्नेंस थी, बेस्ट इंडिकेटर्स जो थे वो चौधरी परवेज लाई की उस हुकूमत में थे, जो जिसको लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक था, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक थी, इन्फ्लेशन भी ठीक थी, तालीम जो थी वो ग्रेजुएशन यानी कि चली गई। तो हम हाजिर हैं, हम ये कहते हैं कि चौधरी परवेज लाई की सर्विसेज को आप यूटिलाइज कीजिए, उनके तजुर्बे को आप यूटिलाइज करें, उनकी टीम साथ थी उनके जिसमें मैं भी शामिल था और हम हाजिर हैं। और पंजाब को चलाना को आसान तो नहीं है, पंजाब एक टफ जॉब है और इसमें जो है लोग पंजाब की तरफ देखते हैं गवर्नेंस के हवाले से, तो हम तो हाजिर हैं जी इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, एज अ पार्टनर वी आर अवेलेबल। हमारे पास टीम बहुत अच्छी है, चौधरी परवेज लाई की एज अ स्पीकर बहुत बड़ी कारकर्दगी है और पहले भी थी, 2 बारी वो स्पीकर बन चुके हैं, बड़ी ज़्यादा लेजिस्लेशन की जाती है, हाउस को कंट्रोल करना सूबाई असम्बली को आसान नहीं है, और ये सबसे बड़ा हाउस पंजाब की असेंबली 377 प्लस यहाँ प्लस मेंबर्स, वो भी पंजाब के, और पंजाब का आपको पता स्टाइल भी ज़रा मुख्तलिफ है। तो बहरहाल चौधरी साहब अपनी दानिश से और अपने एक्सपीरियंस से इसको सही चला रहे हैं। सही चला रहे हैं। अच्छा, ये सब आप बता रहे थे आर्ट के वाले से भी आप बता रहे थे, गंदारा आर्ट के, वो थोड़ा सा जिक्र कीजिए जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं जहाँ मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करता हूँ और विमेन एम्पावरमेंट पे और जो है बाकी इश्यूज में, एक सेक्टर पे हम मैं बहुत काम करता हूँ वो है आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज, जिसकी ज़रूरत भी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। वो
मैं एक हमारी एसोसिएशन है गाका, वो है गंदारा एसोसिएशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, उसका मैं चेयरमैन हूँ। हम ये गंदारा पे काम करते हैं। गंदारा से मुराद ये है कि टेक्सला आपके जहन में आता होगा, और वो फास्टिंग बुधा वो जो लाहौर म्यूजियम में पड़ा हुआ है वो आपके जहन में आता होगा। दुनिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला, जो एक जगह जुलियान वहाँ पे थी। और दुनिया की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री जो है, जो इनकी इबादतगाह होती है बुद्धिस्ट की जो होती है, जो लॉर्ड बुद्धा आपने सुना होगा, वो तख्तबई में है। तख्तबई में वो यूनेस्को ने उसको रेट किया और रैंक किया है, वो 2600 साल पुरानी है, 2500 या 2600 साल पुरानी है। तो हमारे पास गंदारा का बहुत ट्रेजर है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ें गंदारा पे बुधा पे जो है वो लॉर्ड म्यूजियम में पड़ी हुई है, जो कि स्टोर में पड़ी हुई है, और लोग उनको देखना चाहते हैं। हमारा जो फास्टिंग बुधा है वो हम बाहर यूरोप में भेजते हैं, उसकी एग्जीबिशन होती है, लोग उसको आके देखते हैं, सीखते हैं। तो जो बुद्धिस्ट जो गंदारा की आर्ट, गंदारा का ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ये दुनिया की ये कह रही है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन हेरिटेज को बचाना। हम किसी मजहब को नहीं आगे लेकर आ रहे हैं, हम तो उस हेरिटेज को बचा रहे हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं, चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, और हम उस हेरिटेज को बचा रहे हैं जो कि इस खत्ते में एग्जिस्ट करती थी। दुनिया में लोगों का बहुत रुझान है टूरिज्म पे। आपको पता है हमारे यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। यहाँ पर सिखों की सबसे बड़ी जो है इबादतगाहें वो आते हैं ननकाना में, करतारपुर कॉरिडोर बना दिया गया। इसी तरीके से बुद्धिस्ट के लिए जो साइट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है पाकिस्तान में। अगर उनकी इबादत गाहों को विजिट करने की इजाज़त दे दी जाए, और अगर इस टूरिज़म को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से स्ट्रेंथन किया जाए, तो आपके बहुत से बुद्धिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो विजन भी है, अब उस पर इमरान खान साहब सही काम कर रहे हैं, उनका तो विजन भी है। 26 ममालिक हैं जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, एक बहुत अंदाजे से जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो उनको आप यहाँ ला सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। आपके म्यूजियम्स, आपकी आर्ट एंड कल्चर, बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है हमारा यहाँ पे। अभी हम किर्गिस्तान गए हुए थे, हमने वहाँ पे बिश्केक में कॉन्फ्रेंस की अभी 4-5 दिन पहले, वहाँ पे हमने कल्चरल एक्सचेंज की बात की है, आर्ट के हवाले से हमने MOU वहाँ पे साइन किए हैं, और हमने जो है इस खत्ते से ही हमारे कल्चर बना हुआ है। सेंट्रल एशियन स्टेट से कल्चर यहाँ पर आया हुआ है, मोरक्को से आया हुआ है, साउथ इंडिया से यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख इकट्ठे रहते रहे हैं, तो यहाँ का बड़ा रिच हमारा कल्चर है। इस कल्चर को हमने ख़त्म नहीं होने देना, हमने बच्चों को बताना है, और वैल्यू एजुकेशन हमने देनी है अपने बच्चों को। उसके लिए कल्चर को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका सूफीज़म आ जाता है, सूफी थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सूफी थॉट्स के हवाले से हमने 2002 की अपनी हुकूमत में हमने यहाँ पे बनाया था पिलैक, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, पंजाबी के हवाले से हमने बनाया था। पंजाबी की जितनी भी सूफी थॉट्स हैं वो पंजाबी पोइट्री में हैं, बाबा बुल्ले शाह है, उसके बगैर पोइट्री कंप्लीट ही नहीं है, उसके बगैर होती है, और बेशुमार नाम है जो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। अब उस पोइट्री को जो पंजाबी में लिखी गई, जिसको डॉक्यूमेंट हमने करवाया सबसे पहले, लोगों ने बाय हार्ट याद किया कि उसको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं था, उसकी हमने कांट शांट करवा के उसको डॉक्यूमेंट करवाया, फिर उस सूफी थॉट्स और पंजाबी कलाम का हमने अंग्रेजी में तर्जुमा करवाया। अच्छा जी हाँ, जैसे हीर होगी, अपना गुजरात के काफी जो हमारी फोक टेल्स है, जो पुरानी हमारी ये कहानी पहचान जो हमारी थी, बिल्कुल खास तौर पे हमारा जो सूफी थॉट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट हमारा ज़बरदस्त है। तो इस फिर पंजाबी की प्रमोशन पे हमने काम किया, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस पे काम करना, कल्चर पे काम करना, आर्ट पे काम करना, तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा काम में करता हूँ, जो कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, सरकार थोड़ी इसमें ज़रा पीछे है, तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं। लोगों को तो पता ही ना कि व्हाट इज़ गंदारा, लोगों को तो पता ही नहीं कि कितनी इम्पोर्टेंट। आप देखिए कटास राज जो है ये हिंदूज़ की तीसरे लेवल का हाईएस्ट इनका रिलीजियस अपना है, तो हिंदूज़ की, सिख्स की,
और क्रिश्चियंस ने जो था मिशनरीज उन्होंने बहुत काम यहाँ पे किया। हम उनके चर्च की हिफाजत भी करते हैं और उसको स्ट्रेंथन भी करते हैं, उनकी श्राइन्स और प्रॉपर्टीज की हिफाजत भी करते हैं। वैक्यूट्रस प्रॉपर्टी के हवाले से मैं मेंबर रहा हूँ, उस पर बड़ा हमने काम किया। तो इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं और इस पे काम करने की जरूरत भी है। नहीं सब असल इशू पता क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर जो ऐसा शोबा है जिसमें आप पूरी गवर्नमेंट के आप पूरी दुनिया में इसके ऊपर आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, असल में हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं किया जा रहा। बाहर की दुनिया में जाए सॉफ्ट इमेज के वाले से बात अगर कर ले हम, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसको बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह के मकामात या इस तरह का कल्चर या इस तरह की आर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसको मार्केट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जितना मार्केट करेंगे तो टूरिज्म भी चलेगा आपका, लोग भी आएंगे देखने आएंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान के हालात वाकई बदलेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां इमरान साहब, आप जान रहे हैं उनके ख्यालात। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट से ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो हमने तो ये कहा था कि हुकूमत ने 12,000 रुपया फी कस भेजा एहसास प्रोग्राम में, जी हाँ, वो 140 करोड़ रुपया। क्या ये छोटा कि आप बच्चों को फैसिलिटी दे देते हैं, वो तालीमी बंडल को ऐसा आ जाता जो वो ये जो कंपनीज हैं टेली कम्युनिकेशन पैकेज दे देते हैं। एक हुकूमत ने दो लैपटॉप्स दिए थे, तो आप इनको भी बच्चों को दे देंगे, हुकूमत कुछ ना कुछ दे दें ताकि बच्चे का ना नुकसान हो। अब आपने देखिए ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोल दिया आपने, शादी घर खोल गए वहाँ पे हो रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, जो मस्ट है एजुकेशन मस्ट है। अब पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं और कोविड की पीक हाइएस्ट अपना गवर्नमेंट ने भी स्कूलों को। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मियां साहब से जानते हैं हम आगे पापों से तबीयत तक के सफ़र की कहानी। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि आज का कोविड की वजह से एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हो गई है, तो ऑनलाइन एक नई चीज़ सामने आई है, तो उसके हवाले से चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया हो या ओवरऑल अगर हम एजुकेशन की बात करें कोविड के साथ रहते हुए, तो आपने क्या क्या देखते हैं फ्यूचर में और अभी स्टिल क्या चल रहा है किस तरह से? जी बिल्कुल, ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। प्राइवेट हमारे टीचर कन्वेंशनल टीचिंग होती है, क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं वगैरह वगैरह। अब ऑनलाइन जो था एक नया तजुर्बा था और इसके लिए सबने बड़ी तैयारी की, बड़ी मेहनत की और ऑनलाइन की तरफ स्विच करना ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन मैं तो क्रेडिट दूँगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, पाकिस्तान और पंजाब की और बाकी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट दोनों को दूंगा कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ थी कि वो इस पर स्विच कर जाते ऑनलाइन पे। ऑनलाइन के लिए आपको चूंकि पता है आईटी सेक्टर है सारा, ये इस पर इंसान सुनता तो है लेकिन कभी यूज़ नहीं किया, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, क्योंकि यूज़ टू नहीं ना, अभी नई चीज़ आई है, अभी थोड़ा सा अडॉप्ट करें, फिर कैमरा है, फिर रिकॉर्डिंग है, उसको नेट पे चलाना, बच्चों को पढ़ाना, गूगल क्लासरूम क्रिएट करना, क्योंकि बच्चा भी तो ऑनलाइन है ना, बच्चा भी ऑनलाइन, बच्चा घर में बैठ के वो टीचर के साथ इन टच है और एक 50-60 लोगों की क्लास बनाई हुई है नेट के जरिए, इसे हम गूगल क्लासरूम कहते हैं, तो गूगल मीट पे वो मिलते थे सब लोग। तो इसको फिर कैरी ऑन करना, लॉन्च करना, चलाना इसको सक्सेसफुली, और फिर उस दौरान ऑनलाइन इम्तिहान लेना, इम्तिहान लेने का भी एमसीक्यूज बना दिए, प्रोजेक्ट्स दे दिए, अपना असाइनमेंट्स दे दिए, कई तरीका है, ज़रूरी नहीं कि अपना वही पुराना इम्तिहान आपने लेना है। तो फिर इसको हायर एजुकेशन कमीशन से इसको एक्सेप्ट करवाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो हायर एजुकेशन कमिश्नर ने चंद ऐसे रखी थी रिक्वायरमेंट्स, उसे हम कहते हैं ऑनलाइन रेडीनेस कहते हैं, तो 8-10 जो थे उसके वो थे पैरामीटर्स, तो वो अडॉप्ट करने थे, तो फिर आपने जारी करना, उस पर सब माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गए। क्वालिटी का इशू है बिल्कुल है, और ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है। फिजिकल सर वो तो सेटिस्फेक्शन भी है, सेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देखा प्रैक्टिस भी नहीं है, तो बहुत साइडेड प्रैक्टिस नहीं है, तो लेकिन चूंकि मजबूरी है, हम चाहते हैं कि बच्चों का निसाब और तालीमी हवाले से नुकसान ना हो, और हम तो कहते रहे कि लॉकडाउन आप जो है ना ख़त्म कर दें, तालीमी इदारों को आप इजाज़त दे दें, तो SOP बहुत ऑब्जर्व हो रहा है तालीम। अब आप हमारे यहाँ आए हैं
इंडस्ट्री में आप आए हैं तो इंशाल्लाह सूफीज आपको नजर आएंगे। तो अब लॉकडाउन करने से जो है वो सेशन भी आगे चला गया, इम्तिहान तो हुआ ही नहीं बच्चों का, स्कूलों की बात करो तो प्रमोट हो गए, प्रमोट हो गए प्रीवियसली, और यूनिवर्सिटी से तो फिर भी इम्तिहान ले लिया। तो बच्चा है वो ट्रेनिंग तो आपकी कैंपस पे होती है, आपके नेटवर्किंग होती है, इंटरेक्शन होता है, फिजिकल क्लासरूम आप देखे, स्पोर्ट्स होती है सर। तो वो ये बहुत बड़ा चैलेंज था सर, जिसको हमने बड़ी अच्छी अंदाज से चलाया और आज भी हम उसको चला रहे हैं। अब हमारी ज़रा प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, अब हमें पता है कि लाइट कैसे लगानी है, माइक कैसे लगाना है, फ्रेम कैसे बनाना है। आप टीचर को नहीं पता इन चीज़ों का और किस तरह साउंड को कंट्रोल करना है। लेकिन ये सब पेरिफेरी साइड पर, वाली साइड है, वहाँ पर तो वो बच्चे यानी कि वहाँ पर तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है हमारे, नहीं है सर। तो वहाँ पर किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये? उन बच्चों का नुकसान है, सही जो बात है उनको फिर आप हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की जो तादाद है स्टूडेंट्स की, उसमें हमारे पास 99 कनेक्टिविटी परसेंट है हमारे अवेलेबल सबके पास जी बिल्कुल। लेकिन आप सरकारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे नहीं है, नए हाथों में उनका नुकसान हुआ है, उनको उन्होंने कॉम्पनसेट किया कि उनको उन्होंने होमवर्क दे दिया, उस हवाले से उन्होंने कहा कि आप अपना सेशन डिले कर लें, छुट्टी ले लें, अगले सेशन में आ जाएं, सेमेस्टर में आ जाएं। तो हमने तो ये कहा था कि हुकूमत ने 12,000 रुपया फी कस भेजा एहसास प्रोग्राम में, 140 करोड़ रुपया, क्या ये चौथा कि आप बच्चों को फैसिलिटी दे देते हैं, वो तालीमी बंडल को ऐसा आ जाता जो वो ये जो कंपनीज हैं टेली कम्युनिकेशन की अच्छा पैकेज दे देते, एक हुकूमत ने दो लैपटॉप दिए थे तो आप इनको भी बच्चों को दे देंगे, हुकूमत कुछ ना कुछ दे दे ताकि बच्चे का ना नुकसान हो। अब आपने देखिए ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोल दिया आपने, शादी घर खुल गए वहाँ पे हो रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, जो मस्ट है एजुकेशन मस्ट है, अब पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं और कोविड की पीक हाईएस्ट अपना एनवायरनमेंट में भी उन्होंने स्कूलों को बंद बंद किया था जी, क्योंकि स्कूलों में एसओपी ऑब्जर्व हो रहा था, हमने उल्टा किया यहाँ पे, हमने मार्केटें खोल दी, शादी घर खोल दिए, कुआर मंडी खुला हुआ है, झालमी खुला हुआ है, सब खुले हुए हैं, बंद है तो वो स्कूल कॉलेज से भरा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान ना हो और ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को तो मानना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर भी तो पार्टनर है गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन सेक्टर। तो ये चैलेंज को मैं समझता हूँ बड़े अच्छे अंदाज में लिया ऑनलाइन चैलेंज। मैं सब लोग जानना चाहेंगे बल्कि मैं पर्सनली जानना चाहूँगा कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है, यानी कि आप 15 साल पहले भी माशाल्लाह ऐसे थे जब मैं आपको कैंपेन में देखा करता था और आज भी माशाल्लाह ऐसे हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी हुस्न नज़र है कि अगर आप हमें स्मार्ट समझ रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ऐसा आपका बंदा हेल्थ कॉन्शियस होता है। देखिए स्मार्ट रहने के लिए आपको कपड़े अच्छे पहनने का शौक होना चाहिए, उसके साथ खुश हालात भी तो होना, और वो है टेंशन अच्छी होनी चाहिए, और चूँकि आई ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, आउटडोर एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा की हमने, पूरा पाकिस्तान में घूमा हुआ हूँ, और फिट रहने का शौक भी है, स्पोर्ट्स भी करते हैं, खाने खाने का भी बहुत शौक है, फूड लवर है, फूड लवर तो बहुत ज़्यादा, पेट भी थोड़ा सा अभी बाहर आया। तो बहरहाल ये एक आपका एक पर्सनालिटी जो होती है उसमें साफ ज़ाहिर है आपके शौक जो है वो होने चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना, कपड़े को संभालना, कपड़ा संभालना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर जो वूलन कैशमीर होता है उस पर कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, तो अपनी वार्डरोब को मेंटेन करना, संभालना, पहनना, कपड़े को सही इस्त्री करवा के रखना, ये शौक की नजर भी वैसी आ जाती है। तो वैसे तो आप भी माशाल्लाह बहुत वेल ड्रेस्ड, आपका तो ताल्लुक भी है फैशन की दुनिया के साथ, अच्छा लिबास पहनना, साफ पहनना ये जरूरी है। भाभी आपकी लिए खरीदारी करती है? खरीदारी तो मैं ही करता हूँ और वो भी करती हैं, लेकिन इस वार्डरोब को मेंटेन करने में काफ़ी साथ देती है और इसको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है, यू नो आई वर्क इन इस्लामाबाद, गुजरात एंड लाहौर, तो मेहरबानी है उनकी, मेरा वो साथ देते हैं,
और अच्छा कपड़ा खरीदने का शौक है, कपड़े की पहचान भी है, वो भी सब लोग बहुत जरूरी है, सब लोगों को नहीं नहीं होती, नहीं होती बिल्कुल नहीं। और एक जो शर्ट है उसकी जो उसकी फिटनेस और कॉलर की शेप क्या है और कैसा कट होगा आपकी जैकेट, फिर तो आपको फैशन डिजाइनिंग पढ़नी चाहिए थी। आप यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं इसलिए शायद थोड़ा सा आपकी तारीफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि नेचर उसके बगैर कंप्लीट नहीं है इंसान। और ये जो नेचुरल जो ब्यूटी है, व्हाई डू यू गो आउटडोर्स, आप क्यों जाते हैं दूर दराज उनको में देखने के लिए, जब तक आप एडमायर ना करें नेचर को, ब्यूटी ब्यूटी किसी भी शेप में हो सकती है। और सो आई एंजॉय माय वेरी गुड क्लोथ्स और दिस इज माय हॉबी आल्सो। और मैं अच्छे अच्छी चीज़ों की कदर करना जानते हैं, तलाश भी तलाश भी करते हैं। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे हेल्प करते रहते हैं, बाहर से चीज़ें भेज देते हैं, मैं लिखवा देता हूँ, मेरी मदद करते हैं, तो इट्स गुड टू बी। वैसे भी आपको अपनी जमात का मेरे ख्याल में ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। चल कर बिल्कुल जमात को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, अपने कारकर्दगी से करते हैं अपनी जमात की, और अपने आप को बिल्कुल रखते हैं उस लेवल पर जहाँ पे आप पे कोई उंगली ना उठा सके, ना करप्शन करते हैं, असूल की बात करते हैं और अपनी जमात को प्लस करते हैं, अपनी जमात का एजेंडा, अपनी जमात की परफॉर्मेंस हम लोगों को बताते हैं। आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर रोज़ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ कुछ ना कुछ टूवर्ड्स द सोसाइटी। पाकिस्तान में देखिए ना, हर बंदा अगर ये समझ ले कि अपना अपना रोल अदा कर रहा है तो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो जाती है एज ए नेशन, यू आर गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव टू वर्क, मैं खुश रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, लोगों का लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करवाने में उनकी मदद करता हूँ। गरीब गुरबा जो है उनको रोजगार को देना, बहुत अच्छा ना, उस हवाले से बात करते हैं, बच्चों को पढ़ा देना, स्कॉलरशिप दिलवा देना, अरेंज कर देना, उनको गाइड कर देना, पढ़ के अच्छी जगह लग जाए तो उनके घर का रोजगार इकॉनमी बेहतर हो जाती है, उनका स्टैंडर्ड जो है हाई हो जाता है घर का, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करवाते हैं। हमने गुजरात में बहुत मेहनत की है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सड़कें बनाई गुजरात में, यूनिवर्सिटी ने मुझे याद आ गया, हमने वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आप आइए देखिए कभी, वहाँ पर 35,000 तकरीबन बच्चा बच्ची पढ़ते हैं वहाँ पर, और बेशतर वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन है, 65% जो है वहाँ ख़वातीन पढ़ती हैं, पूरे सिस्टम के अंदर पढ़ती हैं। हमारे उस इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने ये प्रोवाइड की यूनिवर्सिटी 2002 के दौरान जब हमारी हुकूमत थी, हमारी बच्चियाँ वहाँ पर ही रह के पढ़ती हैं, मास्टर्स करती हैं, फिल्स करती हैं, PhDs करती हैं। हमारे गुजरात का शरह ख़वान भी बहुत बुलंद है, पूरे पंजाब में हम 30वें नंबर पर हैं, और बड़ी अवेयरनेस अब आ गई है वहाँ पे, लोगों को शऊर आ गया है गुजरात में। हमारी उस गुजरात यूनिवर्सिटी में 6 अज़ला से लोग पढ़ते हैं आपको डेली, और 100 के करीब बस है जो रोज़ आती है और छोड़ती है। इट्स एन अमेजिंग यू नो प्लेस, एक प्रोग्राम है और जगह बड़ी, लर्निंग एनवायरनमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ का, पर्पजफुल कैंपस है वहाँ पर, और हम एक हाई क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर देते हैं। और हमें समझ दो कि हमने ये बहुत बड़ा काम किया अपने इलाके के लिए और हमारा इलाका अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे सब बच्चों में कोई सियासत में आ रहा हो, शौक रखता हो? आएगा जी, नेचुरल है, ये तो आता ही है। और बेटा यानी कि जी मेरा बेटा है भैया आशिफ असलम, बिल्कुल आएंगे जी, लेकिन आने का तरीका ये नहीं है कि आते मौसी सियासत से थोड़ा सा हटके, नहीं, दे हैव टू वर्क हार्ड, हां या दे हैव टू कम होना चाहिए, ड्रिल एंड उस प्रोसेस से आना पड़ेगा और उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको लोगों की इंसानियत की कदर करनी पड़ेगी, उनको सीखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ क्या हैं, मॉरल सियासत के क्या तकाजे क्या हैं। सियासत का ये काम नहीं है कि लोगों को धोखा देना या लोगों को फरेब देना,
सियासत तो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लोगों की खिदमत करने का, एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर करवा दें वहाँ पे, स्कूल खुलवा दें वहाँ पे, और हुकूमत में जब आप आ जाते हैं, जब आपको ओहदा मिल जाता है, फिर आपको फिर फंड्स भी मिल जाते हैं और आप वो फंड्स आप बांट देते हो सारा। तो बिल्कुल खिदमत का ये सिलसिला हमारे ख़ानदान का जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह, और हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई हैं वहाँ पे मेरे साथ, उनके बेटे भी हैं, वो सब आएंगे इंशाल्लाह, सब खिदमत करेंगे। और इकतदार की कोई लालच ऐसा नहीं है कि आके कोई हमने करप्शन करनी है या हमने कोई माल बनाना है। माल अल्लाह ने बड़ा दिया हमें और हम माल खर्च करना चाहते हैं, हमने किया भी है, और हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, कोविड में हमने बड़ी मदद की है लोगों की, वजीफे हम देते हैं, राशन हमने दिया, हम करते रहते हैं, खामोशी से करते हैं, हमारा सारा ख़ानदान करता है, हमारे बहन भाई सारे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे दोस्त कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, वाई नॉट। तो ये नेकी कमाने का जो एक चांस आपको बहुत मिलता है कि वो फरियादी जो आपके घर आ जाता है उनसे, तो आप उसको नेकी कर दें, अल्लाह ताला उसका सवाब दे। तो उसके लिए एक डेजिग्नेशन का होना जरूरी है, हमारे पास पोजीशन का होना जरूरी है ताकि आप सर्व कर सकें। मियां साहब बहुत अच्छी ये गपशप चल रही है आपके साथ, लेकिन टाइम की वही बंदिश है। मियां साहब लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, पंजाब के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी। मियां साहब कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहें एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से? देखिए मैं तो आपके इस टीवी के हवाले से मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, और हमारी पहचान जो है वो हम पाकिस्तानी हैं, और गुजरातिया होने से पहले हम पाकिस्तानी हैं, और हमारी पहचान और पाकिस्तान का जो असल सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट से मुराद ये है कि जो हमारा परसेप्शन है वो बेहतर होना चाहिए, पूरी दुनिया में बेहतर होना चाहिए, हमारा इस्लाम, हमारा मुल्क, और जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, जो लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं, उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लोग उनको देखते हैं बाहर के मुल्क के जो लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए हमें काम करना है, पाकिस्तान को हमें आगे लेके जाना है, और हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग यूथ है, 65% पॉपुलेशन हमारी यूथ है, तो यूथ ऑफ पाकिस्तान को जो है ये समझना पड़ेगा कि मेहनत करेगा, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ओवरनाइट मिलियनर बनने का शौक जो है सबको होता है, और लेकिन ये चीज़ आपको हासिल होगी पढ़ाई से, एजुकेशन से, मेहनत से और असूल से होगी, तो आप ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। जी बिल्कुल, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है, और जो लोग मेहनत करते हैं, जो कौमें मेहनत करती है, वही दुनिया में मुकाम हासिल करती है। मियां साहब आपका दोबारा शुक्रिया, बहुत बहुत आपने इतना कीमती टाइम दिया, और आज आपके लिए गिफ्ट है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप ख्वाबों से तबीयत तक इस सफर में हमारे गेस्ट थे। अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।